हेलो, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी ब्लॉगर पूजा। तो फ्रेंड, अभी मैं चाय पीने जा रही हूँ, तो आज चाय के साथ मैं ली हूँ, ये टोस्ट बोलते हैं, और बनाने का चिप्स है, जो कि कल लाए थे फलहारी चिप्स है। कल था मंडे, आज है ट्यूसडे, तो आज मैं यही खाने रह जा रही हूँ। साथ में मेरी बेटी ऑलरेडी खा रही है, और आज उसका छुट्टी है, कुछ हो गया था इसलिए छुट्टी है मंगलवार को। तो बस यहाँ पे आज हरियाली सावन का पूजा हो रहा है, मतलब कल आज भोर का हुआ है ये। तो आज मैं सुबह जल चढ़ाने आई थी, तो यहाँ पे मैं देखी बहुत अच्छा सजावट हुआ था, बर्फ़ की सीढ़ी लगी हुई थी यहाँ। मतलब बनारस में जितने मंदिर है ना, वहाँ सब जगह ये हरियाली सावन मनाया गया है। तो हम भी देखे, तो अपनी बेटी को बता रहे थे, बेटा ऐसा ऐसा मंदिर हुआ, तो बोली मम्मा मुझे भी चलना है, जीत करने लगी। तो बस उसको भी नहला धुला, क्योंकि बिना नहाए नहीं ला सकते थे ना, तो बस उसको नहला धुला के यहाँ पे ले आई हूँ, और यहाँ पूजा पाठ चल ही रहा है। सुबह तो और मतलब ताज़ा ताज़ा पूजा हुआ था, चढ़ा था, तो बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए थे, तो अभी सब खत्म हो गए थे, क्योंकि अभी 12:30 बज रहा है, दोपहर का टाइम है। तो बस यही आज का ब्लॉग, देखिए बनारस में हरियाली सोमवार मनाया जाता है। तो बस दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए मेरे वीडियो को, अपना ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिएगा मुझे, और ये है भोले बाबा महाराज। तो फ्रेंड, ये दूसरी जगह का मंदिर है, पहले मैं यहीं अक्सर आया करती थी। अभी तो यहाँ बहुत मतलब पेड़ थे, बहुत झाड़ वगैरह था, अभी यहाँ पे साफ़ सफाई हो रहा है, बन रहा है बहुत अच्छे से मैदान टाइप का, कि बहुत बड़े में मंदिर है। दूसरी जगह आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो आप लोग भी देख लीजिए, मैं टहल के सब देख रही हूँ। जो यहाँ पे पंडित जी बोले, जाओ बेटा पूरा देख लो, क्योंकि यहाँ पे ना कुश्ती भी लड़ते सब लोग सीखते हैं शायद। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, अकेले थे मैं, अच्छी अपनी बेटी को लाई थी दर्शन कराने, अभी वो लेकर नहीं आई थी। तो चलिए, आप ले लीजिए, पूरा अच्छे से हो जाएगा ना, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि पता मुझे इतना नहीं निकलती बाहर, पर हाँ यहाँ पे मतलब ये सब जगह भंडारे बहुत होते हैं, साठ बढ़ते हैं, और सब भगवान का मंदिर यहाँ पे वो भी बन रहा था, जो दीवार में नहीं होता चित्र बनते, वो सब बन रहे थे यहाँ पे। शाम का टाइम है, तो ये बोले कि चलो कहीं घूमते हैं बाहर, हम बोले ठीक है चलिए। तो बस यहाँ पे आ गए हम लोग, जो है यहाँ पे ना मोहम्मदगंज में जलान है बनारस में, एक मॉल ही है समझ लीजिए, यहाँ पे सारे 3 फ्लोर का है, सब चीज़ बनता है, मिलता है यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे मेरी बेटी अपने लिए कुछ कपड़े ढूंढ लेती है, तो अपने पापा को बुलाती है, मैं अपना देख रही थी, और ये मोबाइल में लगे थे इसको लेके अपने बेटे को,
मतलब युक्त को, तो बस वो दिखे कैसे खींच के ले जा रहे। मुझे बोली थी पहले, मैं बोली मैं नहीं जा रही लेने, जब आती हूँ तब तुमको कुछ ना कुछ चाहिए। तो पापा है भाई, जब बेटियाँ बच्चे पापा से बोलते हैं तो पापा वो चीज़ करते ही हैं। हम लोग अपने लिए, मेरे लिए तो नहीं लिए, बस दोनों बच्चे के लिए ज़रूर ले लिए। बोले तुम अपने लिए ऑनलाइन मंगाती रहती हो ना, तो इसीलिए हम नहीं लेते हैं अपने लिए। हम दोनों का कपड़ा लेते हैं, दोस्त अभियुक्त के लिए एक ठो, आकृति के लिए। ये दो पसंद की थी पर इसका क्वालिटी नहीं अच्छा था। तीनों बोला बेटा अभी अच्छा नहीं, एक ही ले लो अभी, सॉरी रक्षाबंधन की आपके लिए अच्छा सा लेंगे। तो बोली ठीक है पापा एक ही ले लो अभी फिलहाल। तो जब ये आएगी ना कुछ पता है, मेरी बेटी नज़र ना लगे तजबूत ये बस, मतलब वो भी अगर मैं मना कर देती ना, नहीं था मेरा भी अच्छा लगा इसलिए मैं बोली अच्छा ले लो, नहीं मैं जैसे बोलती बेटा नहीं लेना है तो मान जाते हो। बाकी ना टॉय जीत करती, ना खाने की चीज़, कुछ चीज़ नहीं। बहुत से बच्चे थे क्या लेट जाते हैं ज़मीन में, पर मेरी बेटी नहीं करती है सब। तो यहाँ छोटी सी बच्ची अपने लिए कपड़े पसंद कर रही थी, मैं बोली तुमको भी चाहिए, बड़ा है जाओ छोटे वाले बच्चों में, बेचारी शर्मा गई। तो यहाँ पे ये दोनों मतलब बिलिंग करा रहे थे, तो यहाँ पे दोनों डांस कर रहे थे, देखिए एक ही कपड़े में खुश हो गए। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत, अगर मैं मार्केट भी जाती हूँ बस इसको 10 रुपये का आइसक्रीम देती हूँ, भी आते समय बस मम्मा एक आइसक्रीम देना मुझे, बोले ठीक। इतने टॉयज़ की दुकान कुछ भी घुसेगी मैं, गोलगप्पा कुछ खिलाऊँगी, चाट वगैरह कुछ नहीं, बस 10 रुपये का आइसक्रीम, मेरी बेटी खुश हो जाती। किसी जीत नहीं करती कोई चीज़ का, बहुत से लोग करते हैं। तो चलिए बोलो हेलो, कहाँ आए हो? इधर ये सना लक्षक बच्चा, इधर चलो चलो भाई, तो सकता है इधर देखो, बैठो देखो ये गंदा है, ये लो ये लो ये लो, वो पूछो वो पूछो वो पूछो दीजिए, बैठो यार इसके साथ ना दिक्कत बहुत होती है, यही बैठो, कहाँ जाना नहीं जाना। तो बस अभी हम आ गए यहाँ पे पेट पूजा करने की, क्योंकि अभी एक दिन ये मंडे को मुझे कल लेकर आए थे ना, तो मेरा व्रत था, मैं कुछ नहीं खाई थी, सिर्फ लस्सी पी थी। जो मेरा इसका पिछला वीडियो जो देखे हो जानते हो, तो मैं बोली मुझे डोसा खाना है, बोले चलो आज खिला दो नहीं तो मेरा जान खा जाओगे। तो बस यहाँ पे हम लोग आए हैं, डोसा तो सबको पसंद है, तीनों माँ बेटी और पापा को सबको पसंद है। तो यहाँ ये अपने खेलने में बिजी है, जो होते नहीं ब्लैक पेपर और नमक वगैरह छिड़कने के लिए, तो हम लोग अपने लिए और डोसा मंगाते हैं, ये अपने लिए नूडल्स मंगाती है, इसका सबसे पहले हम लोग का बाद में आता है। तो बस ये लोग खेल रहे हैं, और ये तो भैया इतना परेशान करता है ना, सभी बच्चे होते हैं कि मेरा ही है ना लायक। तो उसके बाद टेबल के नीचे कहाँ कहाँ जाके, पर जितने टिशू पेपर सब फेंक रहा था। तो यहाँ पे मैं लेके टिशू पेपर उसको जहाज़ बना के दे रही हूँ, कभी बोर्ड बना के दे रही हूँ, कि कम से कम शांत होके देखे, पर काहे कि वो शांत रहेगा, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। और फिर टेबल के नीचे सबके टेबल पे जाके सबको हो कर रहा है, इसको खिला भी सब रहे थे भैया। मैं तो बोली अब नेक्स्ट टाइम मैं कभी नहीं आऊँगी भैया, आओ 10 मिनट में बाहर चले जाओ। और ये बोले मूवी चलो देखते हैं, हम कह रहे नहीं, हाथ जोड़े इसके साथ जो आधे घंटे में सर खा गया है, आधा घंटा गया ऑर्डर करने में, उसके आने में भी सर दुखा दिया है, बाकी मूवी देखने के लिए क्या करेगा। तो चलिए पहले मेरी बेटी का आ गया और नूडल्स वो खा ले, उसको सर्व कर रही हूँ मैं, दे रही हूँ, 2 प्लेट में आया है, पता है बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, 3 प्लेट हो जाता है खाने में, इतना ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ पे हम भी खा लेते हैं, और पहले उसको दूंगी एकदम बिना मतलब तीखा उखा कुछ नहीं, सिर्फ वो था क्या बोलते हैं शिमला मिर्च डाल के दिए थे, गाजर बक कुछ मैं नहीं डलवाई थी, बोली सादा देना भैया बना के, तो एकदम सादा देते हैं। मैं अपने लिए चिली सॉस डालती हूँ क्योंकि फीका फीका लग रहा था, वैसे मुझे नूडल्स वगैरह चाइनीज चीज़ पसंद ही नहीं है, जल्दी मैं नहीं खाना पसंद करती, मुझे डोसा सबसे अच्छा है। तो बस यहाँ आई हूँ आज घूमने खाने पीने, तो यही है, देखते रहिए बने रहिए, ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिएगा मुझे।
पे डोसा नूडल्स वगैरह हो गया, तो बोली पापा आइसक्रीम खाना है। इन्होंने बोले चलो खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए। तो हमने बहुत से आइसक्रीम मंगाए पर कोई अच्छा नहीं था, सिर्फ यही अच्छा निकला तीखी में। हम लोग सब खा रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं खाते क्योंकि मेरे आइसक्रीम पता है मुझे दांत में लगता है, तुरंत फ्रीजर में से निकाल के दिया जम गया, देख नहीं रहे मुझे दांत में लगने लगता है। तो बस ये पता है मेरा बेटा देखो अपना अलग से लेके खा रहा है, जो छोटे में कटोरी मिलता नहीं है मटका कुल्फी में मंगाई थी तो अच्छा नहीं था तो हम वापस कर दिए थे, अपना लेके खा रहे हैं अलग से। और जरा सभी नहीं गिरा था, हमको नहीं पता था बेटा मैं पहले तुमको देती इसी में बिजी रहते, जो हम लोग शांति से खाने नहीं दी। तो हो गया यहाँ पे सब लोग खा के आ गए घर, ये देखिए अपना सामान लेके चल रहा है। तो हो गया, आज का वीडियो यही ख़त्म हो रहा है, कैसा लगेगा बताना। जो नए लोग जुड़े हैं सब्सक्राइब करिएगा, जो पहले जुड़े लाइक कमेंट कर दिया करो यार, अच्छा लगता है कमेंट करने में। तो चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। पता है अपना जूता, मैं इसके लिए क्रॉक लेने गई मिला ही नहीं वहाँ पे, ये अपना जूता ना निकाल के फेंक देता है बाहर कहीं भी, इसके लिए बिना जूते का बेचारा आ रहा है। चलो गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों।